हे गाइस, वेलकम टू द फ्रेंडली कस्टम मैच। सो आज हमारे साथ टोटल 21 टीम्स हैं। और भाई फुल मचाने वाले हैं भाई इरेंगल में। तो अभी थोड़ा बहुत हिस्सा मैंने ऐसे अपना गेम में से कट किया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा बोर भी ना हो। बहुत ही कम हिस्सा मैंने कट किया गेम से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारा प्लेन उड़ चुका है और देखते हैं हमारी अभी फ्लाइट पाथ है। ओके, हॉट ड्रॉप है, मिलिट्री बेस और नोवो, शायद से पोचिंग की भी है। तो देखते हैं अभी नोवो मिलिट्री बेस पोचिंग की में कौन कौन सी टीम उतरती है। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, सभी प्रीमोस्क और मिल्टा पावर। ओके, देखते हैं अभी ये पूरे रो में बंदे कहाँ कहाँ पे उतरते हैं, वो देखने के सबसे मजा है। गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो आपके टीम का नाम, आपके आप कहाँ पे उतरते हैं, क्या फाइट हुई थी, फलाने निकला, जो भी है सब कुछ। भाई बहुत मेहनत लगी ये वीडियो बताने में, कल रात से बैठा हुआ सर। ओके चलो देखते हैं। ओके, पोचुंकी में कट्टा कट्टा वाली कट्टा और ईएफ की टीम होती है, तो शायद से हमें इन दोनों के बीच अभी फाइट देखने मिल सकती है। और मिलिट्री नोवो में वन साइड की टीम होती है, मिलिट्री बेस में डीडी को टीम नंबर 9 डीडी कौशिक समथिंग नाम है उनका, सॉरी दोस्तों। ओके वो टीम होती है। ओके अभी ईएफ और कट्टा कट्टा की टीम अभी देखते हैं भाई क्या होता है अभी। ओके ओ भाई, ओ ई एफ वो और कट्टा एक्चुअली वो सामने सामने मतलब कंपाउंड में उतरे, और यहाँ पे ई एफ के रोशो नॉक आउट होते हुए ओ भाई कट्टा डॉन के हाथों। ओके वो ई एफ रोशो को ख़त्म भी कर दिया उन्होंने M16A4 से। अभी सिर्फ बचे ई एफ दीपक, आई थिंक ई एफ के दो दो ही बंदे आए ऐसा लगा मुझे, क्योंकि उनके पूरे स्क्वाड थे। चलो कोई बात नहीं, हो गया रहेगा डिले हो गया रहेगा उनको। ओके ये दीपक को घेर लिया है कट्टा सेगल टॉस कट्टा कावा कट्टा डॉन उन लोगों ने, तो शायद से वो उनका हो जाएगा। ओके यहाँ पे हम देखते हैं वन साइड फ्रिक नोवो में लूट करते हुए। आई थिंक उन्हें लगा होगा कि नोवो में बंदे आएंगे, मगर वो भी फिलहाल ढूंढ ही रहे। तो फिलहाल तो उस रूट के उस बीच में कोई नहीं है। अश्वत्थामा एक अकेले बंदे जो मिल्टा सिटी में उतरे, और फेरी पेयर में नंबर 2 की टीम वहाँ पे उतरी है। पोचिंग के में अभी फ़िलहाल पोचिंग के होल किए कट्टा के टीम मेंबर्स ने, और मिल्टा पावर में विवेक ऑन की टीम नंबर 11 वो टीम है। आई थिंक टीम नंबर 22 अश्वत्थामा अपने टीम के एक ही बंदे है। ओके स्कूल में कोई नहीं है। रोजॉक में 69 की टीम है पूरी 69। ओके 6 नंबर टीम एफएनसी अपने स्कूल इसके बीच में एक्चुअली रोड के बीच में। एसिड मंथन यहाँ पे 23 यासना के नियर बाय, और यासना में टोटल एक दो टीम है शायद से अभी। तो अभी हमें उन दोनों के बीच शायद से फाइट देखने मिल सकती है। तो देखते हैं, अगर गाइस फिर से बोल रहा हो, अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो भाई अभी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे ऑल कर दो, सॉरी ऑल पे प्रेस कर दो बेल आइकन को। ओके कमेंट से कर देना शेयर व्यू सब, ठीक है। अभी देखते हैं फिलहाल अभी तो हमें कुछ फाइट देखने मिल नहीं रही है। टीम नंबर 6 कौन से पाथ पे जा रही है? ओके सेफ जोन की तरफ निकल रही है, टीम सेफ जोन में ही है एक्चुअली, शायद से अपना लोकेशन चेंज कर रही है। ओके अभी देखते हैं हम लोग ये। ओके ये फिलहाल अभी तो कंपाउंड ही होल्ड कर रहे हैं सब, मुझे लगता है अभी फिलहाल कोई फाइट नहीं ले रहा है, सब लोग अपने कंपाउंड ही होल्ड कर रहे हैं, फिर लूट कर रहे रहेंगे शायद से। ये शेर के शेर टीम के मैडी यासना में होल्ड किया इन्होंने, उनकी पूरी टीम अभी फ़िलहाल मौजूद है। फिलहाल तो यासना में उन्होंने होल्ड किया, और यहाँ पे नहीं अभी फ़िलहाल तो लग नहीं रहा है वैसे किसी को भी फाइट होने वाली है। यासना में मुझे दो दो टीम और एक और टीम शायद से किलर्स के वहाँ से भाग रही है ऐसा लगा मुझे, क्योंकि वो वहाँ पे हाँ ठीक है वहाँ से भाग रही है। ये एसिड मंथन ये अभी भी शायद से उनके टीम के एक ही बंदे बचे, तो वो भी उनका फिलहाल रूमिंग चालू है हजू बाजू। यासना में अभी हमें टीम नंबर 15 और टीम नंबर 12 पे दिखाई दे रहे, पर वो बहुत दूर है, तो शायद से उनके बीच कम मतलब फाइट होने के चांसेस थोड़े कम है। और ये टीम नंबर 15 के IMF राजा। ओके अभी फिर अभी तक तो हमें भाई कोई फाइट देखने नहीं मिली है, देखते हैं भाई अभी ऐसे एक्चुअली क्या अभी ये कस्टम मैचेस में फ़ाइट मतलब बहुत कम होती है। अगर कोई बंदा कोई कोई टीम अगर पुश करती है, फिर कोई नॉक करता है पुश करते हैं,
तो ही ये फाइट होते हैं, अदरवाइज ये फाइट नहीं हो पाती। लास्ट सर्कल में जो फाइट होता है ना दोस्तों, वो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें भी हमें वही मज़ा देखने मिलने वाला है। और यहाँ पे ओके, आईएमएफ राजा को किल कर लिया है, शेर निशु को नॉक कर लिया है। यहाँ पे एसिड मंथन यहाँ पे भागते हुए टीम ने बीटीसी की टीम के यहाँ से जो है कामेश की में वो ओके 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 एसिड मंथन बहुत बाल बाल बचे उनके पास, ठंकुल से बच के भाग गए वहाँ से, उनके वो बग्गी लेके भाग रहे हैं, बहुत दूर भाग चुके हैं वो बीटीसी के हाथों से, बार बार बचे। चलो देखते हैं अभी आगे कोई टीम से मतलब फेस करते हैं कि नहीं एसिड मंथन। ओके, अभी आउट ऑफ जोन, बहुत सी टीम आउट ऑफ जोन है, जोन के अंदर फिलहाल तो चार ही टीम हमें दिखाई दे रही है। ये अश्वत्थामा अपने टीम से अकेले ही बंदे हैं जो मस्त अपने घूम रहे हैं इधर उधर। मुझे लगता नहीं कि ये बहुत जल्द फाइट लेंगे। आई थिंक ये बोलते ना किल्स बीच में जो किल्स उठाते थर्ड पार्टी करके, वैसे ही करने वाले ये अश्वत्थामा। यासना से भी फिलहाल घूम के जा रहे हैं, मस्त अपनी मस्ती में घूम रहे हैं अभी वो। टीम नंबर 15 वहाँ पे, टीम नंबर 12 भी वहाँ पे ही है। ओके, ये रहे अपने अश्वत्थामा। आई थिंक अभी ये एट के टीम नंबर 8 के पास जा रहे हैं क्या ये? उनको पता है, शायद से पता है कि नहीं, नहीं पता रहेगा ऑब्वियसली। ओके ओके, वो फिर से घूम गए। ओके, वो रुक गए क्या यहाँ पे? ओके, होल्ड किया उन्होंने। अच्छा, ड्रॉप आ रहा है, ड्रॉप पे होल्ड किया उन्होंने, शायद से वहाँ पे कंपाउंड में होल्ड किया है उन्होंने ड्रॉप पे। अभी शायद से और दो टीम्स आ सकती है, ये अपना गवर्नमेंट ड्रॉप बोलते हैं उसको, मोस्ट ऑफ जो रेड और ब्लू इसमें रहता है वो। ओके, एम जिसके लिए। ओके, अभी देखते हैं आउट ऑफ जोन है वन साइड की टीम, टीम नंबर 14 किलर्स अमी, और मिल्टा पावर में एक टीम है टीम नंबर 11, और पोचिंग की में भी फिलहाल तो 69 की टीम ने, सॉरी स्कूल में 69 की टीम, और पोचिंग की में भी कट्टा की ही टीम वहाँ पे उन्होंने होल्ड किया है कंपाउंड, क्योंकि वो जोन में ऑब्वियसली। और यहाँ पे टीम नंबर 15 के शायद से दो बंदे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे, सेत और ये और कौन से, एक मैंने देख लेते थे ठीक से एक बार। ओ भाई, टीम नंबर 12 और टीम नंबर 15 के दोनों बंदे आमने सामने बिल्डिंग में, यासना में भाई दोनों के बीच फाइट होगी, देखते हैं भाई कौन जीतता है कौन नहीं। अभी शायद से उनको बहुत टाइम लगेगा, और उनके पीछे शेर एफएनसी, एक्चुअली एफएनसी टीम नंबर 9 एक्चुअली वहाँ पे होल्ड किए उन्होंने यासना में। अभी देखते हैं जोन शायद से चालू हो चुका है, और जोकर अपने टीम से 16 नंबर के, वो शायद से अपने टीम से अलग है, उनको आ जाना चाहिए जोन में, आ जाना चाहिए जल्द से जल्द। ओके, ये उनके वन साइड हरीश और सेट 69 संजी जो दो किल्स के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, होल्ड किए उन्होंने कंपाउंड। अभी रेड जोन में है टीम नंबर 16, तो कट्टा और योयो शायद से उनके बीच में फाइट देखने मिल सकते हैं यहाँ पे। अश्वत्थामा किल्स के तलाश पे उन्होंने शायद से यासना में फाइट होती देख ली है, तो कोशिश करेंगे वो शायद से किल्स उठाने के लिए, मतलब किल्स छुड़ाने के लिए जाने के लिए। ओके, अभी देखते हैं और टीम्स का क्या हाल चल रहा है। एक्चुअली अभी फाइट दोस्तों, सॉरी, कुछ फाइट्स मिस होती रहेंगी, क्योंकि क्या एक टाइम पे कभी कभार फाइट होती है कभी होती नहीं फाइट, तो अगर गलती से किसी की भी मिस हुई हो तो भाई एक्सट्रीमली सॉरी। मगर कुछ ऐसी फाइट्स है आखिर सर्कल्स के भी, मतलब वो टाइम के बीच में जो बहुत अच्छी फाइट्स हुई है दोस्तों, और पूरा देखना दोस्तों वीडियो को फुल, मतलब एंजॉय करना भाई एकदम, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाते हुए, मतलब थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करते टाइम में, फिर कुछ टाइम रहेगा तो आराम से कान में हेडफोन डाल के भाई मस्त अपना ये देखना कस्टम मैच। स्ट्रीम नहीं किया है, जस्ट रिकॉर्ड करके डाला है, क्योंकि स्ट्रीम के टाइम कभी कभार स्ट्रीम स्नाइपिंग भी होने के चांसेस होते हैं, मतलब कहाँ पर लोकेशन बनने का क्या हो सब, तो इसके लिए मैं स्ट्रीम किया नहीं है। हाँ, वो स्ट्रीम डिलेट भी करते हैं, मगर अभी फिलहाल अपने पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है। बट इन फ्यूचर दोस्तों, अगर आपका साथ रहा, अपनी पूरी टीम अगर साथ में रही, मतलब अपना जो अभी कस्टम चालू है वो सब रहा, तो बहुत जल्द लाइव स्ट्रीम भी होगा, और दोस्तों प्राइजेस भी रखूँगा मैं, और वो भी एंट्री फ्री एकदम, फ्री एंट्री के साथ दोस्तों, कोई एंट्री चार्जेस वीजेस कुछ नहीं लूँगा, और प्राइजेस भी मतलब ऐसे सस्ते वाले नहीं, अच्छे वाले प्राइजेस रखूँगा। बस चैनल पर बने रहना, और डेली कस्टम्स शायद से कभी कभार एक दो दिन के बीच में गैप हो सकता है, मतलब पर कस्टम्स रहेंगे इतना कन्फर्म है, ठीक है। जैसे कि आज के दिन में कस्टम है, अगर ये आप
ये मैच अगर आप 6 जुलाई को देख रहे हो तो आज भी एक कस्टम है मीरामार के लिए। अगर आप चैनल पे नए हो और अपने कस्टम के लिए रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है दोस्तों, मुझे डीएम कर देना आपके टीम का नाम और आपका नाम, मतलब ऑब्वियसली और कोई टीम रहेगा तो मुझे डीएम कर देना, रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। अगर स्लॉट फ्री रहे तो आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, ठीक है। अभी 69 बॉट ने यहाँ पे DD69 से ओके, उनके बीच फाइट हो चुकी है FNC कप, देख लेते हैं एक बार। ये रहे 69 के, ओ भाई इनकी एक टीम के बंदा आउट होते हुए, ओ भाई यहाँ पे फाइट चल रही है टीम नंबर से 17 और 9 के बीच में, 9 के बंदे ने, ओ भाई वो भी नॉक हो चुके हैं, उनके अकेले ही बंदे बचे थे और वो उनकी ऑल स्क्वाड क्लियर टीम नंबर 9, एक्सलेंट वर्क। उनके दो बंदे नॉकआउट है, उन्हें जल्दी से उठा लेना चाहिए, बहुत अच्छा, वेल प्लेड गाइस, वेल प्लेड। और ड्रॉप गिरा है शूटिंग रेंज में, जो ड्रॉप लूट के टीम नंबर 13 के लॉर्ड वाइपर ड्रॉप लूट के फिर से अपने टीम के पास जा रहे हैं। रोजॉक के हिल के साइड जो रिवर क्रॉस की तरफ बंदे ना, वहाँ पे भी एक टीम फिलहाल मौजूद है। शायद से सब लोग ना जोन के एज से खेल रहे हैं, मतलब एज टू एज खेलते हैं ना, मतलब वैसे वैसे, और आई थिंक उन्हें एज टू एज ही खेलना चाहिए। अगर सीधा सेंटर में जाएंगे तो भाई किसी ना किसी के तो बलि, अपना बोलो ना, बकरा बनने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी ये वन साइड हर्ष और सेत 69 साजी, उन्होंने 4 किल उठा लिए अपने टीम से, टीम के लिए टीम नंबर 9। यहाँ पे उन्होंने BRDM मंगाई है दोस्तों और एक ड्रॉप मंगाया है। BRDM शायद से मुझे गलती से आई होगी, मतलब जब जोन साल वगैरह रहेगा तो आ गई होगी उनके लिए। तो ड्रॉप अभी फिलहाल ड्रॉप ऑफ सब लूटेंगे फाइट वाइट होने के बाद, अभी फिर उनको 1 मिनट है उनके पास, वैसे आराम से जोन में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। अभी देखते हैं पोचिंग की में एक और टीम आ चुकी है, टीम नंबर 16 के किलर्स और कट्टा, कट्टा के बंदे यहाँ पे फिलहाल पहुँचेंगे। मैं टीम नंबर 9 भी जोन की तरफ बढ़ रही है चाय से, ये टीम नंबर 16 के जोकर और यहाँ ये शायद पोचिंग की में, यहाँ पोचिंग की में, और ये कट्टा के बंदे यहाँ पे, और टीम नंबर 2 के एक बंदे, ओ भाई उनके आमने सामने घरों में दोस्तों कंपाउंड उन्होंने होल्ड किए चाय से। अभी हमें फाइट देखने मिल सकती है, देखते हैं दोस्तों, अभी होल्ड करते हैं फिलहाल ये मैच, अगर फाइट देखने मिलती है तो भाई बहुत अच्छी बात है, मतलब फुल मज़ा आएगा दोस्तों। ये शायद से अपने टीम से अकेले ही बंदे बचे ऐसा लग रहा है मुझे, टीम नंबर 2 के क्या नाम है इनका, कड़क केडक इराज, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस किया हो तो। टीम नंबर 16 के जोकर ने टीम के साथ पास जाते हुए, ये शायद से नंबर 2 उनको स्पॉट कर रही है कि एग्जैक्टली कहाँ पे इनका लोकेशन है, चलो देख लेते हैं अगर क्या हो रहा है इन लोग के बीच में। टीम नंबर 16 के यहाँ पे होल्ड किए चाहे से, टीम नंबर 2 का सैंडविच हो चुका है पूरी तरह टीम नंबर 16 के, क्योंकि वो एक ही कंपाउंड में होल्ड किया, अगर वो बाहर भी निकलते तो उनको चांसेस है दोनों तरह से फायरिंग होने की। ओके अभी देखते फिलहाल क्या लोकेशन है यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो रहा है, ओ भाई कोई फायरिंग नहीं, कुछ भी नहीं, ओ भाई भाई मारो मुझे, ओ भाई क्या क्या कर, बीटअप कर रहे हैं लोग, ओ भाई क्या क्या हो क्या रहा है ये गाइस, आई थिंक मीटअप है या फिर क्या कर, मैंने मीटअप है सॉरी, क्या बोलते हो टीम ये करते हैं ना साथ में, ये क्या कर रहे भाई, ओ भाई मतलब ये लोग ऐसे फ्रेंड्स है वो टीम, मतलब वो मिले रह गए, वो लेकिन आखिर में देखता उधर को ऐसा वैसा सब चालू रहेगा इन लोग के बीच में भाई, सही है यार, तुम लोग खेलो भाई मिल के खेलो भाई, टीम नंबर 16 टीम नंबर 2। चलो भाई हम आगे की ओर बढ़ते, जोन चालू हो चुका है, उन्हें जोन में जाना चाहिए टीम नंबर 16 को, जोन में भी फिलहाल आउट ऑफ जोन में दोस्तों सिर्फ टीम नंबर 9 और टीम नंबर 9 के स्क्वाड है, वो भी शायद से जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। टीम नंबर 20 वाटर सिटी में उनको ये कट्टा और टीम नंबर 18 के कट्टा और टीम नंबर 16 भी शायद से हमें फाइट देखने मिल सकते हैं दोस्तों। टीम नंबर 18 ओपन है दोस्तों, ओपन की तरफ मतलब पर उन्होंने रीज होल्ड किया है, शायद से फाइट हो सकते हैं इन लोग के बीच में, देखते हैं अभी यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके टीम नंबर 18 टीम नंबर कट्टा डॉन, टीम नंबर 18 के कट्टा डॉन, कट्टा कैरलोस कार्लोस और कट्टा कवा, उन्होंने मतलब प्रॉपर रिज होल्ड किया टीम नंबर का 18 के कट्टा डॉन ने। ईएफ की टीम के दोस्तों को सबसे पहले उन्होंने नॉक किया था, मतलब ईएफ की टीम को नॉक फिनिश किया था, दो ही उतरे थे वो लोग। चलो देखते हैं आज के मैच में शायद से उनके फुल स्क्वाड होने के चांसेस है, हाँ आ भी सकते हैं वो लोग फुल स्क्वाड जोन। ओके
ये फाइट अभी फिलहाल तो कोई फायरिंग हो रही है इन लोग के बीच में, मगर नॉक तो फिलहाल कोई हुआ नहीं है। आउट ऑफ जोन है अभी भी किलर्स अनिल जोकर। वन साइड के फ्रिक ने यहाँ पे नॉक नॉक किया, वो वन साइड दीपेश यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, वन साइड फ्रिक भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। सोल चिगल टॉस वन से फाइट यहाँ पे वन साइड के फ्रिक यहाँ पे नॉक हुए हैं। देख लेते हैं अभी यहाँ पे मतलब और कितने कितने बंदे बचे हैं वन साइड, वो एक ही बचे हैं उनके शायद से। टीम नंबर 13 के फुल स्क्वाड है वहाँ पे, और ये वन साइड के यहाँ पे दो ही बंदे बचे हुए हैं। देखते हैं अभी क्या क्या होता है इन लोग के बीच। वन साइड फ्लिक को फटाफट यहाँ पे रिवाइव होल हील कर लेना चाहिए खुद को। और यहाँ पे शूटिंग रेंज के बीच कट्टा और उनकी फाइट हो रही है दोस्तों, पहले इनका देख लेते हैं फटाफट। ये रहे टीम नंबर 20 के सलमान, सलमान भाई वाटर सीटे में दोस्तों। ये लोग वाटर सीट पे शायद उनके सामने एक और स्क्वाड है, तो यहाँ पे भी उनकी फाइट हमें देखने मिल सकती है। यहाँ पे कट्टा डॉन ने मैसल एस वुलवरिन को नॉक कर लिया है, मैसल वॉल्व ने कट्टा डॉन को नॉक कर लिया, कट्टा डॉन ने। ओ भाई ये क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत फाइट हो रही है यहाँ पे। ये रहे कट्टा की टीम, ओ उनकी फाइट हो चुकी है लगता है यहाँ पे। दोस्तों फ्रेंड कट्टा वालों की यहाँ पे फाइट हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, और अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कट्टा का, ये कट्टा की टीम है क्या एग्जैक्टली? कट्टा का वा ओके उधर ही होल्ड किया क्या उन्होंने, मतलब पहले वाली फाइट्स होंगी चाहे से। नॉक्स वीट ने अभी बीटीसी के क्लियर, ये नॉक्स ये जो टीम शायद इनका नाम टीम कर्मा है दोस्तों, बहुत अच्छे खेल रहे हैं लोग बंदे, मतलब किल्स विल सब उठा रहे हैं प्रॉपर। उनके जो किलर वेद करके जो है ना, मतलब वो उनके बहुत अच्छे खेल रहे हैं, मतलब उनका गेम प्ले में बहुत अच्छा यहाँ पे गेम प्ले देखने को मिल रहा है इन लोग का। और ये जोन की तरफ निकलते हुए टीम नंबर 11, हाँ 45 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स तो बचे उनको जोन में आना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है जोन से। टीम नंबर कट्टा की टीम फिलहाल यहाँ पे सेंटर में है, ड्रॉप के बाजू में ही है। आई थिंक उन्हें थोड़ा एच टू एच खेलना चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे। ये रहे अपने एसेड मंथन, उनके टीम के अकेले बंदे बचे हुए जीरो किल्स के साथ, फिलहाल कंपाउंड होल्ड किया है। और ये 1 मिनट, ये टीम नंबर 9 पे क्या कर रही है, पुश होने वाले ऐसा लग रहा है मुझे। तो भाई इन पे पुश हो चुका है, आई थिंक हो चुका है पुश, नहीं अभी तक हुआ नहीं बट होने वाला ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो उनके पास वो भाई ये हो गया उन पे पुश टीम नंबर 9 का। अभी देखते हैं हमें क्या वो एटलीस्ट एक तो किल, मतलब मेरे ख्याल से एटलीस्ट उनको स्मोक वो करके सब एक किल्स, एटलीस्ट तो एक किल उनका उठा लेना चाहिए, लगता नहीं कि बचने के चांसेस है, फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नंबर और वो भाई एक नॉक करके हुए, मगर फिर से वो भाई वो पूरा ऑल क्लियर, मतलब अकेले बंदे थे वो भाई, और एसिड मंथन की टीम से अकेले बंदे थे, वो भी क्लियर हो चुके हैं मतलब कुछ जीरो किल के साथ। यहाँ पे देखते टीम नंबर 13 किलर्स R85 यहाँ पे ड्रॉप लूटने की कोशिश करेंगे। ओके वो ड्रॉप लूट लूट भी लेंगे, पर शायद से आई थिंक मुझे ऐसा उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्कल धीरे धीरे छोटा हो रहा है। ये रहे अश्वत्थामा भाई, किल्स किल्स के लिए यहाँ पे वेट करते हुए उन्होंने शायद से उनके एक बंदे को नॉक कर लिया है। वो भाई उनके उन पर उनको भी गोलियाँ पड़ती हुई, मतलब शायद से उनका सैंडविच हो चुका है ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ वो रहे उनके टीम नंबर कट्टा, सॉरी टीम कट्टा, उन पर फायरिंग देते हुए। आई थिंक अश्वत्थामा को अपने लोकेशन चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो स्पॉट हो चुके हैं टीम नंबर 13 के। एक बंदा नॉक है तो 13 की तरफ से शायद से उनको फायरिंग नहीं आएगी, फिर भी अश्वत्थामा को लोकेशन चेंज करके मतलब वहाँ से कट लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है अभी ना यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, क्योंकि टीम नंबर कट्टा की टीम भी वहाँ पे मौजूद है। टीम नंबर 13 के एक बंदे नॉक हो चुके हैं, उनको फटाफट रिवाइव कर लेना चाहिए, वाइपर ने रिवाइव कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके टीम के दो ही बंदे अलाइव है। ओके उन पर भी गोलियाँ पड़ती हुई सामने की ओर से, वह सामने कौन सी टीम है वहाँ पर, टीम नंबर 9 गौरव FTV FNC समथिंग OP उनका नाम है दोस्तों, मैं टीम नंबर 9 ही पुकारूंगा आपको। वो रिवाइव हो चुके हैं, उनके फटाफट घर घर में जाके हील कर लेना चाहिए खुद को, क्योंकि उन पे रश हो, वो भाई फिर से नॉक हो गए, अभी चांसेस है कि उन पे रश हो जाएगा, बहुत जल्द पुश करेंगे टीम नंबर 9 ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक नॉक हो चुका है उनका। और भाई जैसा था वैसा ही भाई पुश कर लिया भाई दोनों उनके टीम ने। अलग अलग कार लिया है दोनों ने, मतलब दो 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 की इसमें। और ये हुआ टीम नंबर 13 पे पुश, देखते हैं अश्वत्थामा फिलहाल अभी वहाँ ही है, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि उनको ना किल्स उठाने हैं ऐसा लग रहा है मुझे, अभी जो फाइट हो गया ना उसमें से वो किल
उठाने के मतलब उठाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। तो भाई यहाँ पे टीम नंबर 13 ऊपर की ओर और ये सबसे पहला मौली करते हुए, सबसे पहले मौली से बचते हुए वहाँ से देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पे टीम नंबर 13 वहाँ पे नीचे हील हो रहे थे और ये उन्होंने गलती की भाई नीचे जंप करके, वो भाई गलती नहीं की। चलो टीम नंबर 9 के नॉक, टीम नंबर 13 को नॉक फिनिश सीधा कर दिया। टीम नंबर 11 भी यहाँ पे पुश कर चुकी है और दोस्तों यहाँ पे दो टीम में यहाँ पे फाइट हो चुकी है। टीम नंबर 11 ने अच्छा फ़ायदा उठाया भाई पीछे से आके, क्योंकि टीम नंबर 9 के कुछ बंदे थोड़े से मतलब डैमेज मिला था उनको 13 से। और ये भाई टीम नंबर 9 पूरी क्लियर भाई, 11 के सिर्फ एक ही बंदे उनके नॉक हुए थे वो, पर कोई दिक्कत नहीं आएगी उनका उन्हें उठाने के लिए। ये भाई अच्छा थर्ड पार्टी कर लिया यार इन्होंने टीम नंबर 11 ने। और टीम नंबर 22 के असर तमाशा लग रहा है कि स्पॉट हो चुके हैं क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे और शायद से उन्होंने एक किल भी उठा लिया है उनके बीच में से। तो देखते हैं अगर वहाँ पे स्पॉट हो चुके हैं तो लगता नहीं कि वो वापस ज़्यादा टाइम टिकने वाले, देख लेते हैं अभी टीम नंबर 20। ओ भाई अश्वत्थामा हेड शॉट के साथ भाई ऑल क्लियर वहाँ उन्होंने दे दे टीम नंबर उन्होंने क्या बोलते हो टीम नंबर 9 उन्होंने देख लिया था उनको, स्पॉट कर लिया था 11 ने, सॉरी 11 ने स्पॉट कर लिया था उनको। चलो भाई देखते हैं अभी टोटल 17 बंदे अलाइव है, सर्कल छोटा होता जा रहा है आउट ऑफ जोन। टीम नंबर 20 को फटाफट जोन में आ जाना चाहिए, टाइम कम है क्योंकि अभी ये जोन डैमेज देगा क्योंकि ड्रॉप अपने सामने ही है। तो ड्रॉप लूटेंगे कि नहीं, चाहे से लूट भी सकते उन्हें। और ये रहे टीम नंबर 15 के, टीम नंबर 15 के साहिल समथिंग उनका नाम है उनका, नहीं टीम नंबर 15 के दो बंदे अलाइव है। ओके कट्टा की टीम चाहे से पूरी स्क्वाड अलाइव है, टीम नंबर 20 की भी फुल स्क्वाड अलाइव है। 11 मतलब टोटल यहाँ पे चार टीम है बचे हुए, चारों की फुल स्क्वाड अलाइव है यहाँ पे। आई थिंक एक नॉक भी हो सकते हैं, देख लेते हैं अभी चाहे इन लोगों के बीच में अभी हमें फाइट देखने मिल सकती है। जोन में आ चुके हैं टीम नंबर 20, यहाँ पे टीम नंबर 20 और 11 के बीच फाइट हो सकते हैं, बट देखते हैं। आई थिंक टीम नंबर 20 को फाइट ले लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो ओपन में है टीम नंबर 20, रिच का यहाँ पे एडवांटेज बहुत कम है उन लोग को। चाहे से टीम नंबर 11 उन्हें स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक टीम नंबर 20 ने वो टीम उन 11 को देख लिया है तो वो अपना लोकेशन चेंज करना चाहेंगे। ओके टीम नंबर 11 जोन में ही है, टीम नंबर 20 फिल को और जोन में आने का है, मतलब जोन में आना ही है ऑब्वियसली। टीम नंबर 20 के सामने दिक्कतें हैं क्योंकि उनके सामने कट्टा की टीम यहाँ पे मौजूद है, वो भी कट्टा की टीम भी जोन में ही है दोस्तों। तो भाई अभी अब दोस्तों अभी के जो फाइटर हैं दोस्तों वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो देखने बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला दोस्तों। फिर से बोलो दोस्तों अगर बोल रहा था चैनल पर नए अभी अभी बोलते ना स्कीप वीडियो सब्सक्रिप कर दो, अगर वो वाला मेरा पार्ट मिस किया होगा तो फिर से बोल रहा हूँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट कर दो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। ओके अभी देखते हैं यहाँ पे टीम नंबर 20 और टीम नंबर 18 के बीच ऐसे में फाइट देखने मिल सकती है। यहाँ पे स्पॉट कर लिया है दोनों टीम ने एक दूसरे को। ओके ग्रेनेड से पहली शुरुआत, जो हर फाइट की ग्रेनेड शुरुआत होती है, मगर टीम नंबर 20 को जोन में आने के लिए शायद से बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो आउट ऑफ जोन है और जोन चालू होने के लिए 1 मिनट ही बाकी है। उन्हें रोटेशन देके एटलीस्ट जोन में तो आ जाना चाहिए। टीम नंबर 18 ने स्क्वाड हाउस होल्ड किया है वहाँ पर कट्टा की टीम ने, जो अभी तक फिलहाल अच्छी खेल रही, किल्स भी उठा रही है, ठीक ठाक किल्स उठा रही है। उन्होंने पूरा स्क्वाड हाउस होल्ड किया है। ये नंबर टीम नंबर 20 के किंग 46 यू है साफ बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पे। ओके ओके सॉरी क्राउच करके यहाँ पे मतलब ये कर रहे देख रहे मतलब पोजीशन देख रहे फिलहाल बंदों की। टीम नंबर 15 यहाँ पे जोन में आने की कोशिश, नंबर 15 के टीम नंबर 8 यहाँ पे स्पॉट कर रहे हैं। और ये भाई कर्मा वेद, ये भाई ये जो बंदे भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार। कर्मा वेद ने फिलहाल 5 किल्स है उनके उनके टीम के इनके 5 और शायद से जो शैडो डेल्टा है उनके 4 किल है, तो अच्छे खासे किल्स भी उठाए उन लोगों ने। और यहाँ पे टीम नंबर 15 को शायद से उन्होंने स्पॉट कर लिया है, ऐसा लग रहा है कि उन तक फायरिंग आने के चांसेस। ओके देखो उनको फायरिंग आ चुकी है यहाँ पे, अगर इन्होंने यहाँ पे ओ भाई बहुत बहुत बचे दोस्तों यहाँ पे अच्छा सा कवर बनाया हुआ है। आई थिंक उनको रेड गाड़ी को फोड़ देना चाहिए, अगर वो गलती से फूट गए ना उनके तीनों को तीनों बंदे नॉक हो जाएंगे, उनको बड़ी दिक्कत आ सकती है। पीछे से एक बंदा कवर के लिए है वैसे, मगर उन्हें एटलीस्ट एक कार तो उनको सेव कर लेनी चाहिए जोन अगर चेंज होता है तो जोन में जाने के लिए। मगर उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, उन्होंने तीन गाड़ियाँ लेके दोस्तों लोग घूम रहे, अगर एक गई तो दूसरी है, दूसरे गई तो तीसरी है, या फिर कवर के लिए भी हो सकता है, जोन में जाने के लिए हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में कवर के लिए यूज यहाँ पे M16 का स्प्रे। आई थिंक M16 की उनको M4 ले लेनी चाहिए थी आई थिंक वो। हाँ टीम नंबर 20 थोड़ी दूर थी मतलब जोन ऐसा H2H ऐसे ऐसा करके आ रहे थे, उनको फटाफट जोन में आ जाना चाहिए दोस्तों। जोन चालू हो चुका है, टीम नंबर 20 आउट ऑफ जोन ही है।
ओके भाग रहे दोस्तों वो लोग जोन की तरफ आने के लिए, कोशिश चालू है। मगर यहाँ पे FL 18 नंबर 8 और 15 के यहाँ पे फाइट हो चुके हैं यहाँ पे। वो जैसे मैंने सोचा था कि उन्होंने जो रेड करके ऑब्वियसली वो ब्लास्ट कर रहे, मतलब फोड़ ही देंगे गाड़ी को, एटलीस्ट कवर मतलब प्रॉपर हो जाए इसके लिए। फिर भी उनके पास दो गाड़ियाँ हैं वहाँ पे और वो भी एज पे, तो आई थिंक वो जोन में मतलब जोन में जाने की कोशिश करेंगे नहीं, क्योंकि वो एज में मतलब जोन के एज में ही है। तो ठीक ही है बेटा, वो एक कट्टा के कैरलॉस यहाँ पे शायद से किन्हें स्पॉट कर रहे हैं हमें। ओके टीम नंबर 18 को स्पॉट, टीम नंबर नहीं कोई नहीं है टीम का, मतलब जोन के बाहर खुला तो कोई नहीं है। आई थिंक वो चेक कर रहे रहेंगे कोई है कि नहीं। और ये ड्रॉप के नज़दीक में टीम नंबर 11 और टीम नंबर कट्टा को भी फटाफट जोन में आ जाते। ओ दोस्तों आपको, आप देख पा रहे हो जोन में कोई भी टीम नहीं है एक्सेप्ट टीम नंबर 8, वो भी एज पे, जिनकी टीम नंबर 15 के साथ यहाँ पे फाइट हो रही है। ओके नॉक तो नहीं हुए मगर उनके उन्हें अच्छा खासा डैमेज मिल चुका है। FL मतलब वो टीम कर्मा शायद से, ये टीम कर्मा की ओर से, ये टीम नंबर 15 से शायद से एक ही बंदा उनका अलाइव है। ओके वो भी जोन में अभी आने ही वाले हैं, टीम नंबर 15 और ये टीम नंबर 11। भाई सबके बीच में गोल, एक कट्टा यहाँ पे बीच में आ चुके, उन पर दिक्कतें हो सकती है टीम नंबर 18 कट्टा। वो भाई यहाँ पे कट्टा और नॉक नॉक हो चुका है टीम नंबर इनके कट्टा के कवा, उनको उन्होंने गलती की है भाई। वो भाई इनका किल चोरी हो गया भाई, कर्मा वेद ने भाई किल चोरी कर लिया यार। वन साइड हर्स के भाई बहुत मेहनत लगती है, आई नो वो किल्स कस्टम में, मतलब किल अगर मिल जाता है पर अगर वही किल चोरी हो जाए तो भाई उससे ज़्यादा गुस्सा आता है। देखते हैं, और ये टीम नंबर 11 शायद से इन पर पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे कि बच रहे पता नहीं, नहीं बच रहे, जोन की तरफ बढ़ते हुए वो बहुत ज़्यादा बच गए, बहुत ज़्यादा बच गए वो वन साइड के हरीश चाय से, उनके जिंदा है अभी फिलहाल तो। और यहाँ पे टीम नंबर 18 के कट्टा कैरलॉस यहाँ पे नॉक हो चुके हैं यहाँ पे। और एक मिनट, ये फाइट देख लेते हैं यहाँ पे, कट्टा नॉक से यहाँ पे नॉक हो चुके हैं यहाँ पे। King4U एक अच्छा सा ग्रेनेड भाई, एक बंदा नॉक कर लिया यहाँ पे टीम ने। ओके T20 के तो वहाँ पे किंग जो है 4U यहाँ पे बच बच गया यहाँ पे चाय से अभी। ओके वो उनके एक किल हो चुका है आई थिंक ग्रेनेड से, दो ही बंदे बचे जिसमें से एक बंदा नॉक है। देखते हैं अभी क्या होता है, वो अभी वो पुश करते हैं उन पे कि होल्ड करते हैं या फिर क्या करते हैं। ओ भाई नाइस ग्रेनेड ब्रो, नाइस ग्रेनेड, एक दो ग्रेनेड में उन्होंने 3 किल ले लिए यार। King6UA भाई एक्सेलेंट भाई, King46U है भाई, बहुत अच्छा है भाई। ग्रेनेड से उन्होंने मतलब आखिर में क्यों क्यों ना हो एटलीस्ट किल तो उठा लिए। अभी यहाँ पे वो वन साइड के हर्ष बचे हुए अपने टीम से, टीम नंबर 8 यहाँ पे पुश करते हुए। ओके भाई उनको भी ख़त्म कर लिया गया है, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वो अकेले बंदे बचे थे। और दोस्तों अभी सिर्फ ओके 1v4, ओ भाई जीत गए यार, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम कर्मा के नॉक्स विद कर्मा वेद भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई।